सवर्ण एवं निर्धन विकास पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान संगठन की मजबूती तथा आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने पर सहमति बनी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव ने कहा, अजय शंकर श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज स्वर्ण एवं निर्धन विकास पार्टी का महानगर गोरखपुर की तरफ से एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि संगठन विस्तार को लेकर परिचर्चा रखी गई है और आगामी जिला पंचायत के चुनाव और होने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी की भूमिका, स्वर्ण समाज की क्या भूमिका होगी, इस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आज हम लोगों ने, स्वर्ण एवं निर्धन विकास पार्टी ने यह फैसला किया है कि आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में, जहां हमें वोट देने का अधिकार नहीं है, जहां हमें चुनाव में सिर्फ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, हम जाकर वोट नोटा को देंगे। ये हमारा आज फैसला किया गया है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में, 2022 के चुनाव में, स्वर्ण एवं निर्धन विकास पार्टी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों सीटों पे स्वर्ण समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, स्वर्ण समाज की राजनैतिक जो उपेक्षा हो रही है, और सैकड़ों सीटों पे चुनाव लड़कर इन आरक्षण समर्थक सभी राजनैतिक पार्टियों को एक संदेश देगी कि अब हम अपनी उपेक्षा बर्दाश्त करने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं हैं। अगर आप हमें महत्व नहीं देंगे तो हम इन राजनैतिक भागीदारी को निभाते हुए अपना विधानसभा और लोकसभा में प्रत्याशी भेजकर आपके खिलाफ विरोध का आवाज़ को बुलंद करेंगे और आने समय वाले समय में हर हालत में आरक्षण और SC ST Act को खत्म कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है।